हेलो एवरी वॉन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी आर टी द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओस वाल का एन सी आर टी वर्क बुक क्लास वन इंग्लिस का यूनिट वन का चैप्टर फोर द बबल द स्टॉ एंड सू तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट टू है टू का चैप्टर फोर है द बबल द स्टो एंड सू लेट्स रिवाइज पहले हम जो चैप्टर में हमने पढ़ा है उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ठीक है वंस अ बबल अ अस्टो एंड अ सू अंटेड टू क्रॉस अ रिवर इन टू अ फॉरेस्ट एक समय की बात है क्या होता है कि एक बबल रहता है स्टॉ एंड शू ये जो है ना रिवर क्रॉस करना चाहता है ठीक है द स्टॉ स्ट्रेच हिम सेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द An, uh, other, but when the Sioux jumped on the straw to cross the river, it broke and the Sioux fell into the water. तो फिर क्या होता है जो स्ट्रो है ना वो अपने आप को एक स्ट्रेच करता है और एक आ, मतलब बैंक टू आ, एक किनारे से वो दूसरे किनारे रिवर के हो जाता है लेकिन सूज जो है ना जंप करता है स्ट्रॉ के ऊपर और वो सू जो है ना वो वाटर में गिर जाता है द बबल स्टार्टेड लाफिंग एंड बर्स्ट और क्या होता है बबल जो है ना वो स्टार्ट वो हंसना स्टार्ट कर देता है और वो फट जाता है ठीक है तो ये होता है इसका स्टोरी अब यहाँ पे है वर्ड मीनिंग्स बबल ए थीन इस्फेयर ऑफ लिक्विड इन क्लोजिंग एयर ये क्या होता है एक थीन इस्फेयर होता है जो कि लिक्विड का जो कि एयर क्लोज करके रखता है फॉरेस्ट ए लार्ज एरिया कवर्ड विथ ट्रीज एंड प्लांट्स एक लार्ज एरिया होता है जिसमें कि जो कि कवर करके रहता है ट्रीज एंड प्लांट्स बहुत सारे ट्रीज़ एंड प्लांट्स होते हैं उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं बैंक द लैंड एलोंग साइड अ रिवर और लेक ये बैंक होता है बैंक हम उसे कहते हैं जो कि रिवर के मतलब दूसरे साइड में होता है ठीक है रिवर या लेक के स्ट्रेच टू मेक लॉन्गर और वाइडर टू फुल लेंथ ये क्या होता है स्ट्रेच करना यानी कि अपने आप को बहुत ही लंबा चौड़ा बना लेना खींच के ठीक है अब यहाँ पर है आपका वर्कशीट टेन रीडिंग इज़ फन नेम द थ्री फ्रेंड्स अब थ्री फ्रेंड्स का नाम बताना है क्या क्या था द थ्री फ्रेंड्स आर द बबल द स्ट्रॉ एंड द सू वेयर डिड दे गो वन डे तो वो एक दिन कहाँ जा रहे थे ऑल द थ्री फ्रेंड्स वेंट टू अ फॉरेस्ट वन डे एक दिन वो फॉरेस्ट जा रहे थे व डिड दे वॉन्ट टू डू वो क्या करना चाहते थे दे कैम टू अ रिवर दे वॉन्टेड टू क्रॉस इट बट डिड नॉट नो हाउ टू डोइ वो रिवर क्रॉस करना चाहते थे लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो किस तरह से उसे क्रॉस करे ठीक है लेट स्टॉक हाउ डू यू मेक बबल्स आप बबल्स कैसे बनाएंगे वी कैन मेक बबल्स बाय टेकिंग सम लिक्विड सॉप इन अ कंटेनर एंड मिकसिंग एट इन वाटर एंड यूज़ आई स्टॉट टू ब्लो द बबल्स इन द एयर क्या करेंगे ये आप घर में बना सकते हैं ठीक है आपको क्या करना है एक लिक्विड सॉप लेना है उसको वाटर में आ, जो है डालना है मिक्स करना है एक कंटेनर लेना है उसमें लिक्विड सॉप डालना है थोड़ा वाटर डालना है उसके बाद उसे मिक्स करना है और एक स्टॉ लेना है और स्ट्रॉ से उसे ब्लो करके उसे जो है ना फुलाना है वट यू वियर ऑन योर फिट फिट आप क्या पहनते हैं तो आई आप अपने फिट में क्या पहनते हैं आई वियर शूज़ सैंडल्स सॉक्स एक्सेट्रा ऑन माई फिट हाउ उड यू क्रॉस अ रिवर तो आप रिवर कैसे क्रॉस करेंगे आई वुड क्रॉस अ रिवर इन अ बोट बोट से क्रॉस करेंगे ठीक है लेट्स शेयर पुड दिज डूइंग वर्ड्स इन टू द सेंटेंसेस अब यहाँ पे ये जो है ना वर्ड्स जो दिया हुआ है इसे आपको सेंटेंस में रखना है कि कौन सा सही होगा द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिम सेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर द सु जम्पड ऑन द स्ट्रॉ द बल

अच्छे से ठीक है इसके बाद पॉन्ड लेक रिवर इस तरह से इसका ये जर्नी है इसके बाद है आपका वर्कशीट एलेवन ड्रॉ द बबल्स ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड अब इसे जो है ना बबल को ड्रॉ करना है और ये जो लेटर्स लिखा हुआ है ना इसे आपको आपको बोलना है लाउडली ठीक है तो बस इसे आप इस तरह से ट्रेस कर देंगे अच्छे से ये वाला जितना डॉटेड दिया हुआ है ना डॉट डॉट ये सारे को ट्रेस कर देना है अच्छे से ठीक है इस तरह से ट्रेस करेंगे उसके बाद है फिर ये वाला है इस तरह से और ये भी है इसे आपको बोलना है अच्छे से ठीक है इस तरह से इसे बना लेंगे इसके बाद है वर्कशीट ट्वेल्व मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स नोट रेस द नंबर्स अब इस बॉल को जो है ना उसके नंबर के साथ में मैच करना है जैसे एट है अब यहाँ पर देखेंगे कि फोर थ्री सेवन सेवन कौन सा है ये वाला है सेवन के साथ में मैच करेंगे ठीक है और उसके बाद है यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन है तो हम नाइन देखेंगे कि कहाँ पर है यहाँ पर है नाइन ठीक है नाइन के साथ मैच करेंगे ये वाला उसके बाद है यहाँ पर टेन है ठीक है तो टेन के साथ में मैच करेंगे इसे उसके बाद ये सारा बस इसी तरह से आपको बना लेना है थिंक टाइम लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स पुड इन टू अ टब ऑफ वाटर अब देखिए क्या करना है आपको जो है ना ये सारे ऑब्जेक्ट को देखना है और आपको एक टब लेना है वाटर का ठीक है उसमें इसे डालना है इन सर्कल द वंस दैट विल फ्लोट एंड क्रॉस द वन दैट विल सिंक तो ये आपको खुद करना है ठीक है ये बहुत ही अच्छा आपका जो है ना ये रहेगा अगर आप एक ना टब ले लेंगे ठीक है उसमें पानी लेंगे आप थोड़ा ठीक है उसमें आप ये जितना भी चीज़ है रिबन ठीक है रिबन को डालेंगे फैदर को डालेंगे एक एक करके ठीक है मार्बल डालेंगे लीफ स्टोन और स्टिक पेपर स्ट्रॉ शूज स्पून ये सारा चीज़ है सारे को एक एक करके डालेंगे और देखेंगे कि कौन सा फ्लोट हो रहा है यानी कि तैर रहा है और कौन सा सेंक हो रहा है यानी कि डूब गया है ठीक है एक एक करके आप इसे लिखेंगे और उस पर सर्कल करेंगे ठीक है एंड क्रॉस द वन देखिए जो आपको सर्कल जो फ्लाट हो रहा है ना उसमें आपको सर्कल करना है ठीक है और जो डूब जा रहा है उसमें क्रॉस कर देना है ठीक है इस तरह से बनाना है इसके बाद है लर्न टू राइट ड्रॉ द वेल इट एंड से द राइम अलाउड अब यहाँ पे एक वेल दिया हुआ है उसमें आपको अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और इसमें आपको कलर करना है ठीक है पहले ये जितना भी डॉटेड है ये सारा आपको इस तरह से बना देना है ठीक है अगर आप बुक ख़रीदते हैं तो बुक में आपको अच्छे से समझ में आएगा आपको कुछ भी अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि आपको नोटबुक का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप बुक में अच्छे से बना सकते हैं ये सारा चीज़ अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है ये इस तरह से ये सारा बना लेंगे और उसके बाद इसमें आप अपना फेवरेट कलर आपको जो भी कलर करना है अपने पसंद से आप कलर कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से बना लेंगे इसे तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ओस वाल का एन सी आर टी वर्कबुक नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू वॉच माई वीडियो